अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियोस में हमने जो है एसएसबी की कुछ रिक्रूटमेंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनको जो है जल्दी ही रेफ़र कर दिया जाएगा जो जेके एसएसबी में। तो कल जो है उन पोस्टर्स को रेफ़र किया गया है जेके एसएसबी में। लगभग 15,000 प्लस की पोस्टर्स हैं। तो सारा हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कौन कौन सी पोस्ट हैं और कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी और लेवल कौन सा है उस पोस्ट का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जितने भी जेके एसएसबी के अपडेट्स आ जाएं आप लोगों के साथ सबसे पहले वो आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखें लगभग नौ जो है डिपार्टमेंट्स में पोस्टर्स एडवर्टाइज हुई हैं। तो हम देख लेते हैं पहले फर्स्ट नंबर पे कौन सी पोस्ट है। देखिए फर्स्ट नंबर पे है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट JSA, इसकी लगभग 1600 वैकेंसीज हैं और लेवल जो है 5 लेवल की ये पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट की जो है 4000 पोस्टर्स जो है रेफ़र की गई हैं। लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे इनको एडवर्टाइजमेंट कब आ जाएगी और इनको जो है रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएगी। तो जूनियर असिस्टेंट की लगभग 4000 पोस्टर्स हैं, लेवल 4 की हैं। उसके बाद फॉरेस्टर जो हमने ऑलरेडी आपको बताया था इसमें 350 पोस्टर्स हैं, लेवल 6 की हैं। उसके बाद VLW जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लगभग 5500 के प्लस पोस्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग 3000 के आसपास जो है 3000 प्लस पोस्टर्स एडवर्टाइज होने वाली है। तो लेवल 4 इनका भी है। उसके बाद क्लास 4th का अगर हम देखें 2200 पोस्टर्स हैं, 2200 पोस्टर्स, इसकी लेवल 1 है। उसके बाद नायब तहसीलदार जो है इसकी 62 वैकेंसीज़ हैं और लेवल जो है इसका 6E है। तो यहाँ पे नायब तहसीलदार हुआ, ये लिखने में थोड़ा गलत हो गया। उसके बाद 7th नंबर की जो पोस्ट है वो TSO है, इसकी 56 वैकेंसीज जो है वो रेफ़र कर दी गई है, लेवल जो है वो 6B है। उसके बाद फूड इंस्पेक्टर की 82 पोस्ट रेफ़र हुई है, इसका भी लेवल जो है वो 6B है। उसके बाद JEE सिविल का जो है 800 पोस्टर्स रेफ़र हुई हैं और लेवल इसका 6 है। तो यहाँ पे अगर आप देखें लगभग 15,000 प्लस की जो पोस्टर्स कल रेफ़र हुई हैं JKSSB में। अब इसमें ये मसला है कि एडवर्टाइजमेंट कब आ जाएगी और आप अपना फॉर्म जो है वो कब तक लगा सकोगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइजमेंट होने से पहले पोस्टर्स को रेफ़र किया जाता है JKSSB में। रेफ़र होने के बाद वहाँ से उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ डिस्कस किया जाता है। फ़ी वगैरह वो तो आपको पता ही है, 300-350 रहती है JKSSB के फॉर्म्स की। तो वहाँ से जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिस्कस किया जाता है उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। तो अब यहाँ पे इसको एडवर्टाइजमेंट आने में कितना टाइम लगेगा। देखो 2022 में इनको लगभग 20,000 प्लस पोस्टर जो है वो फिल करनी है और उसमें कम कुछ पोस्टर जो ऑलरेडी जो है उनका एग्जाम हो गया है, कुछ का जो है रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है। अब ये जो 15,000 पोस्टर रहती है ये भी 2022 में ही इनका जो है एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगी, इनको फुलफिल भी कर दिया जाएगा। तो 2022 में ही इसकी एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगी और कुछ महीनों में इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी और रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगी। तो ओवरऑल 2022 में ये 15,000 पोस्टर्स भी फिल होने वाली हैं। तो ये था थोड़ा अपडेट आप लोगों के लिए जो हमने आपको दिया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं।